फायर एकेडमी दिव्यपुर से आए हैं और हम लोग स्कूल अग्नि सुरक्षा योजना के तहत जो है जाके प्रशिक्षण देते हैं हर डिग्री कॉलेज पे, इंटर कॉलेज पे या टेंथ तक जो भी स्कूल हैं, तो उनमें हम पूरे डिस्ट्रिक्ट पे जो है जागरूकता अभियान के तहत अग्नि सुरक्षा योजना का जो है हम प्रशिक्षण देते हैं स्टूडेंट्स को। उसके तहत हम बताते हैं आग क्या है, इसके बुझाने के तरीके कौन कौन से होने चाहिए या कौन कौन से तरीके हैं, कैसे बुझाया जा सकता है, सॉलिड फायर क्या है, जो है केमिकल फायर क्या है, आदि आदि बातों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, चारों तरफ से ऐसे करके ऐसे रोल करते हैं और ऐसे हाथ घुमाते हैं, इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन कट हो जाएगी और आपके सिलेंडर की आग बुझ जाएगी। कैसे बुझाते हैं ये देख लीजिए, सिलेंडर में आग लगती है तो हमेशा पहले हवा का बहाव देखना है, हवा का बहाव किधर चल रहा है और सिलेंडर के पीछे से जाना है। आग उस तरफ लगी है तो आपके पीछे की तरफ से जाएंगे और सबसे पहले अपने हाथ को कवर करेंगे, हाथ खुले रहेंगे तो आपके हाथ जल जाएंगे, इस तरीके से हाथ को कवर कर लेना है। फिर पहले वही प्रोसेस आग के पीछे से जाके और मार दी, हाथ सीधे कर लिए, पैर सीधे कर लिए, तो उसके बाद घुटने से तोड़ देंगे उसको, ठीक पीछे पैर से सपोर्ट देंगे यहाँ पे जैसे ही दे दी। तो वैसे अगर हाथ से पकड़ सकते हो, रुक जाओ, हाथ से पकड़ सकते हो तो हाथ से पकड़ लो, नहीं तो क्या करना, झुकने के बाद में यहाँ पे हाथ डालना है और पीछे हाथ पकड़ देना इस तरीके से, नहीं पकड़ सकते हो तो आप हाथ पकड़ लीजिए यहाँ से और हाथ पकड़ने के बाद थोड़ा झटके से उठाना है, हाथ पकड़ लो ये अब लॉक कर लो पीछे हाथ और अपने अपने पल में खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ और तुम लड़ जाओ, तुम लाए जाओ घर है।